संसद के नए भवन में नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बरेली से बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार ने भी शपथ ली। उनके शपथ लेते ही नारे लगने लगे, नारे कि वो संविधान विरोधी हैं। पहले वीडियो देखिए, फिर कारण बताते हैं। कहूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो शपथ लेने के बाद छत्रपाल गंगवार ने कहा जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। इसी के बाद विपक्ष के सांसदों ने छत्रपाल गंगवार को संविधान विरोधी कहना शुरू कर दिया। सुर्खियां तो असदुद्दीन ओवैसी पर भी बनी। उन्होंने शपथ के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया, अल्लाह अकबर कहा। सुनिए। फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर, जो क़ानून के मुजब तय पाया है, एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस पर एनडीए के सांसदों की तरफ से खूब हो हल्ला और हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि वो हिस्सा हटा दिया जाएगा। जब शपथ लेने गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन पहुंचे तो उन्होंने शपथ के बाद दोनों हाथ उठाते हुए हर हर महादेव कहकर जय भोजपुरी का नारा लगाया। मैं रविंद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोजपुरी। जब बारी फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद की आई तो उन्होंने शपथ लेने के बाद जय पीडीए का नारा लगाया। मैं अवधेश प्रसाद, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। संविधान जिंदाबाद। माननीय नेताजी अमर रहे, वीरांगना उदा देवी अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, उनका संविधान जिंदाबाद। सुर्खी गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग के शपथ ग्रहण पर भी बनी। शपथ के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद कुछ दूर आगे बढ़कर वो वापस लौट आए और उन्होंने कहा हेडगेवार जिंदाबाद। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। जब क्रिकेटर से नेता बने यूसुफ पठान ने शपथ ली तो उन्होंने पहले देश को नमन किया, फिर कर्मभूमि और आखिर में उन्होंने जन्मभूमि को नमन किया। मैं पठान यूसुफ खान, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ,
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद, जय बांग्ला, जय गुजरात। बलिया के सांसद यूसुफ पठान से एक कदम और आगे बढ़ गए। राधे कृष्ण का गमछा पहने सनातन पांडे ने शपथ लेने के बाद भृग बाबा की जय के नारे लगा दिए। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसे कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय अखिलेश, भृगु बाबा की जय। जय जय भृगु बाबा की जय। संसद की कार्यवाही की ये महज झलकियां हैं जो सोशल मीडिया पर बंपर वायरल है। संसद में आज क्या क्या हुआ यह आपको विस्तार से हम अपने शो संसद में आज में बताएंगे। इस वीडियो के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी रजत पांडे ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। बाकी इन नारों पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।